हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स 29 पे। तो सिक्स क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो सिक्स क्लास की है वो आज समाप्त हो जाएगी। ये आखिरी लेसन है, 12वां लेसन आज हम करेंगे, इसकी समरी करेंगे। तो 11 लेसन हमारे पूरे हो चुके हैं, आज 12वां लेसन कंप्लीट कर देंगे हम सिक्स क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट इसका है, मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग जो 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसकी जानकारी हमें इस पर खोदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंदर नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवत जो गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें इतने वर्षों के बाद भी लोहे में जंग नहीं लगा, तो ये आप ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में है उसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, उसका वजन पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखें थोड़ा। तो अगला पॉइंट है इसका, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, इन सब में एक समानता है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इस डिब्बे में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत या हड्डी रखे जाते थे। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। आरंभिक स्तूप मंजूसा के ऊपर मिट्टी का एक टीला होता था, तो ये भी आप ध्यान में रखें कि स्तूप कैसे होते थे, स्तूप का अर्थ क्या है, वो तो टीला है स्तूप का अर्थ। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वर्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था, रेलिंग से घेर दिया जाता था। इसे वेदिका कहते थे, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, तो ये भी आप ध्यान में रखें थोड़ा। अमरावती, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकारे गए। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि अमरावती का जो स्तूप है वो कितने साल पुराना है। तो लगभग 2000 साल पहले जो इस स्तूप का निर्माण किया गया था। इस काल के आरंभ में कुछ हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि जो जहाँ पे देवी और देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसे उस भाग को क्या कहते थे मंदिर के, तो उसको गर्भगृह कहा जाता था। तो ये भी पूछा जाता है मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है हिंदू जो मंदिरों में है उनके किन किन देवी देवताओं जो महत्वपूर्ण देवी देवता विष्णु शिव और दुर्गा, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखें। तो इसका अगला पॉइंट है, भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। तो भितरगांव का जो आरंभिक मंदिर है वो 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया, इस बात का ध्यान में रखें आप। महाबलिपुरम मंदिर एक ही पहाड़ी पर बनाए गए हैं, इसे एकाशम कहा गया है। तो जो कई मंदिर हैं वो इकट्ठे एक ही पहाड़ी पर बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें एकाशम कहा गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ए होल का दुर्गा मंदिर ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है ए होल का जो मंदिर है वो कितने साल पुराना है, तो वो 1400 साल पुराना है, इस बात का ध्यान रखें आप। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मंडप क्या था या सभागार क्या था, तो लोग इकट्ठे होते थे उस जगह को कहते थे ये। हाथी दांत का काम करने वाले एक श्रमिकों के एक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण, जिसको तोरण कहा गया है, तो बनाने का खर्चा दिया है। तो जो ये भी आ जाता है कि हाथी तोरण जो किन लोगों ने बनवाया था, तो हाथी दांत का काम करने वाले जो श्रमिक लोग थे उन्होंने तोरण जो सांची का स्तूप का जो तोरण द्वार है ना वो बनवाया था, तो ये आप ध्यान में रखें। जैन मठ उड़ीसा में मौजूद है जहाँ एक पहाड़ी को खोद कर 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। इनमें जैन भिक्षु रहते थे। तो जैन मठ के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ मौजूद है, तो ये उड़ीसा में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मौजूद है, तो ये भी ध्यान में रखें आप। अजंता ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया है। गुफाओं में अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ये 1500 साल बाद भी आज चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। तो जो रंग यूज़ किया था गया था वो रंग जो है पौधों और खनिजों से बनाए गए थे, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अजंता की गुफाएं हैं। जो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध महाकाव्य
शिल्पादिकरम की रचना इलांगो नाम के कवि ने की थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, तो कि शिल्पादिकरम, जो शिल्पादिकरम की रचना है वो किसने की थी, तो इलांगो ने की थी। कब की थी, तो 1800 साल पहले की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, इसका ध्यान रखें आप। एक और तमिल महाकाव्य मली मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्नार द्वारा लिखा गया, तो मणिमेखलाई किस द्वारा लिखी गई है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। तो ये सत्नार द्वारा लिखी गई है, 1400 साल पहले लिखी गई है, इस बात का ध्यान रखें आप। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, पुराण का शाब्दिक जो अर्थ है वो प्राचीन है। पुराणों में विष्णु शिव दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किन किन देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, तो पुराण किस भाषा में लिखे हैं, सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। स्त्रियों तथा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर वह पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है मंदिरों, पुजारी मंदिरों में किया करते थे, तो ये भी आप ध्यान में रखें थोड़ा। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान में रखें कि जो महाभारत का युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आ जाता है। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और किस कारणवश हुआ था, तो ये पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ था, इस बात का भी आप ध्यान में रखें। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, तो वेद व्यास इनका पूरा नाम है, इन्होंने पुराणों और महाभारत को लिखा है, तो ये भी आप ध्यान में रखें वेद व्यास जी। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें, रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि माने जाते हैं। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक एक पुस्तक लिखी, जिस में उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी के पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। तो आर्यभट्टम के जो लेखक हैं वो आर्यभट्ट हैं, शास्त्री आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और अब तक यूरोप में फैल गई। आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, तो ये भी आप ध्यान में रखें, थोड़ा पॉइंट को नोट आउट कर लें। कागज का आविष्कार 1900 साल पहले, तो कागज का जो आविष्कार है वो 1900 साल पहले किया गया था, काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों और रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट पीट कर लुगदी बना, उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबोकर उसमें से पानी निकाल लिया गया और तब सुखाकर कागज बनाया गया। कागज बनाने की तकनीक जो है सदियों तक गुप्त रखी गई, तो ये भी एक जो क्वेश्चन बनता है कि एक क्वेश्चन जो है कि पिछले लेसन में मैंने जैसे बताया था कि एक और ऐसी तकनीक थी जिसे चीन के लोगों ने चीन में शुरू की थी और उसे कई सालों तक गुप्त रखा था, तो ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो कौन सी चीज़ थी जिसे चीन के लोगों ने गुप्त रखा कई सालों तक। एक तो जो है कागज़ बनाने की तकनीक थी और एक और थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची, इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई, तो हमारे जो भारत में भी जानकारी कागज़ बनाने की जो जानकारी थी, तकनीक थी, वो बगदाद से यहाँ पहुँची थी। तो ये हमारा आज 12वां लेसन और 6th क्लास की जो NCERT हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें।
आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि फ्रेंड्स कि जो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी वो पूरी हो चुकी है, अब हम सेवन क्लास की हिस्ट्री शुरू करें या सिक्स क्लास की जियोग्राफी शुरू की जाए पहले। तो इस बात का आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों ही इंपॉर्टेंट है सी टेट पी टेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जियोग्राफी एनसीईआरटी की जो जियोग्राफी है वो काफ़ी डीपली है और उससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद फ्रेंड्स।